गुड़िया क्या हुआ? गुड़िया सब ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठी हो? अरे अम्मी, मैं ठीक हूँ। पुरानी तस्वीरें देख रही थी तो थोड़ा दिल भर आया। अम्मी, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिस होने वाला है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, जैसे मैं किसी भूल भुलैया में हूं और मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। यहां से सिर्फ तुम्हें अपने ससुराल जाना है, अपने घर। तो फिर ये क्या था? मैं तो आज तक यही समझती रही कि यही मेरा घर है। बेटा, शादी के बाद औरत का असल घर तो उसके शौहर का घर होता है ना, जहां वो अपनी गृहस्थी बसाती है। माँ बाप का घर तो उसके लिए पराया हो जाता है। तो खुश तो है ना? पता नहीं अम्मी, मुझे यकीन है कि आप लोग ने जो भी सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा। अगर इस यकीन को खुशी कहते हैं तो हाँ, मैं खुश। अगर आप लोग के साथ छूटने का डर मुझे अंदर ही अंदर मारे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बेटा, हर लड़की की जिंदगी में ये दिन एक ना एक दिन तो आता ही है ना, जब उसे माँ बाप का घर छोड़ के पराए घर जाना होता है, और माँ बाप के घर में सिर्फ उसका बचपन और लड़कपन ही रह जाता है, घर तो उसके लिए पराया हो जाता है। लेकिन मुझे यकीन है आसिम तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और वो तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम हमें भूल जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। लग रहा है रुखसती की प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई। अम्मी बाबा कहाँ? गुड्डू की तरफ गए हैं, आते ही होंगे। घर में गाने बजाने चल रहे हैं और आप लोग यहाँ अब सुधा बैठी हुई है। अच्छा अम्मी, आपसे जरा जरूरी काम है, आएंगी? अरे अब क्यों आए? अरे आए तो सही। उफ़ अल्लाह, मैं भी आती हूँ।